हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे लगन की। तो लगन क्या है? हमारी बॉडी है और चंद्रमा हमें रोल दिया गया है कि ये नीचे जाके आपको रोल निभाना है। फॉर एग्जांपल, हम सारे लगन की बात करेंगे, लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं हर किसी में कोई ना कोई कमी देखती हूँ। इसमें ये कमी, ये लगन नहीं होना चाहिए, ये कमी है, इसमें ये लगन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा चंद्रमा सिक्स हाउस में है। तो जब चंद्रमा ने गणेश जी को देखा था तो उनको देखकर वो हंस पड़े थे। उनको बहुत कमियां नज़र आई थी गणेश जी में, कि कितना मोटा शरीर है, चूहे की सवारी है। तो इसीलिए वो शापित हुए थे कि बढ़ता और घटता पक्ष उनको मिला था। ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी, लेकिन आज बात करते हैं लगन की। तो सबसे पहला लगन है हमारा मेष। तो मेष लगन का प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर मैं की प्रॉब्लम है। उसे क्रेडिट चाहिए काम करने का, ये मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है। आपको पता था मैं इन्वॉल्व था इस चीज़ में, इसीलिए ये काम हुआ है। ये मेष लगन का प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर मैं बहुत होती है। वृषभ लगन का जो मैंने देखा है कि उसका कंप्लेंट बहुत होता है कि मैं ही क्यों करूं और मैं ही इतना बोझा क्यों उठाऊं। ये बैल है, नीचे बोझ उठाने के लिए आया है, लेकिन उससे कोई पूछता नहीं है कि क्यों और कितना। तो ये उसकी कंप्लेंट होती है अपनी फैमिली को लेकर, कि मैं उसकी कंप्लेंट हर अपने आप को लेकर बहुत होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं ही क्यों करूँ। अब चलते हैं मिथुन। तो मिथुन के अंदर एक ही मैंने देखी है, सेक्स ड्राइव। सेक्सुअली सेक्स ड्राइव अगर है तो वो मिथुन के अंदर है। बहुत दिमाग है इन लोगों का, ड्यूल पर्सनैलिटी, और तुरंत तुरंत अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। जहाँ देखेंगे कि ये पलड़ा भारी है तो उस तरफ, जहाँ देखेंगे ये पलड़ा भारी है तो इस तरफ। अब लगेंगे कैंसर लगन की, जिनका मेरा संचित कर्म है कि मैंने इन्हीं लोगों का देना है, क्योंकि मेरा सिक्स लॉर्ड कहाँ बैठा है, एट्थ हाउस में। कहाँ पर बैठा है? चंद्रमा के घर। तो मेरे संचित कर्म है। तो आप देखिए, 100% जो लोग होते हैं ना, वो कर्क लगन के ही मेरे साथ जुड़ते हैं। अब कर्क लगन का क्या है कि ये केकड़ा है, और इसको सिर्फ और सिर्फ अगर छूना है पानी को तो आसमान ही छूना है। फिकल माइंडेड होते हैं, अपनी समस्या का समाधान खुद से नहीं निकाल सकते। प्रॉब्लम इनकी लाइफ में सबसे बड़ी जो है, ये खुद ही हैं। इनका जो मूड स्विंग होता है डेली, एक नक्षत्र के हिसाब से आप देखना, और एक एक वो सब लोड लेते जाइए, वही वही परफॉर्मेंस ये डेली देंगे, और किसी के साथ नहीं रह सकते अपने अलावा। इसीलिए मैं कैंसर लगन की किसी के साथ मैच ही नहीं करती। पता है कि 100% इसका डाइवोर्स तो हो ही जाना है, लेकिन ये प्रॉब्लम लगन की है कि ये लोग अपने साथ ही खुश रहते हैं। अब लेते हैं सिंह लगन। तो सिंह लगन वालों को मैंने बड़ा लेज़ी देखा है, बहुत लेज़ी होते हैं, और उठते हैं बड़े आराम से उठेंगे, शो ऑफ बड़ा करते हैं। 10th हाउस में कहीं सूर्य आ जाए तो मतलब बहुत शो ऑफ करते हैं। अगर यही 10th हाउस में एग्जॉल्टेशन हो तो ऐसे बंदे शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है वो राजा ही है। डिपेंड ऑन, देखना भी है कि कौन सी प्लैनेट है, लेकिन मैं सिर्फ पर्सनैलिटीज़ के बारे में बता रही हूँ, लगन के बारे में बता रही हूँ कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो और उनको रॉयल लाइफ चाहिए, एक राजा वाली लाइफ। जैसा मतलब आप देखोगे ना कि साइन है, वैसी उसके अंदर क्वालिटीज़ भी आती हैं। भी कमेंडोज होने चाहिए, चलो तो लगना चाहिए एक राजा जा रहा है, लेकिन राजा कोई काम नहीं करता ना, जैसे अपने सोल्जर से करवाता है, वैसे ये पर्सनैलिटी के अंदर होती है। तो इनके अंदर दिक्कत क्या आती है, किसी के अंडर जॉब नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं पूरे 9 नक्षत्रों को देख लेती हूँ तो बताती हूँ कि आपको जॉब ही करनी है, तो थोड़ा सा अहंकार को झुकाना पड़ता है। और लेकिन इनके अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है, शो ऑफ करना, और लेजीपन तो बहुत ज़्यादा होता है। देन वर्गो, सबसे डिस्प्यूट साइन और डिस्टर्ब साइन मैंने वर्गो का ही देखा है। आपको एक एक शब्द में महात्मा बुद्ध का आप ले लीजिए, कहाँ गौतम बुद्ध थे और कहाँ वो महात्मा बुद्ध बने। ये जो बीच की जर्नी लोगों को तय करनी है, अब ये महात्मा कब बनेंगे, अगले जन्म में बनेंगे, लेकिन अभी क्या है, ये डिस्प्यूट साइन है। भले ही कितने बिलीनियर्स क्यों ना हो, लेकिन इनकी लाइफ में डिस्प्यूट चलता ही रहता है, साइन ही डिस्प्यूट का है। और कोई भी इसमें अगर स्टार आ जाता है तो, क्योंकि ये बीमारी का साइन है, आपने कार्क तत्व लेना चाहता वो बंदा बीमार रहेगा। अब इसलिए वर्गों में भी कोई प्लैनेट नहीं होने चाहिए, सिंह राशि में भी मैं सोचती हूँ कोई प्लैनेट होना ही नहीं चाहिए, वो लॉस्ट हो जाता है कार्क तत्व। अब लेते हैं लिब्रा। तो लिब्रा का जो मैंने देखा है वो है रिलेशनशिप को लेकर, बहुत उनके अंदर पैशन होता है और वो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। अगर डिप्रेशन किसी को होता है तो सिर्फ लिब्रा साइन को।
और इनके घर में किसी ना किसी को कैंसर ज़रूर होता है, तो मेरे घर में ही चार हैं ऐसे, और सबको मतलब मेरे को अभी कारक तत्व नहीं पकड़ना आया कि किसको होगा, तो लेकिन होता है। तो ये साइन इसलिए सफ़र करता है कि रिलेशन में बहुत उलझा रहता है, क्योंकि लिब्रा क्या है, तराजू, और सबको बैलेंस लेके चलने में ही उसको डिप्रेशन रहता है। अब लेंगे स्कॉर्पियो, तो इनमें भाग दौड़ लगी रहती है, मतलब चूहे बिल्ली जैसी ज़िंदगी में भाग दौड़ लगी रहती है, एक काम करेंगे तो दूसरा दूसरा करेंगे, तीसरा तीसरा करते, और एक वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई साइन अपने आप में बदलाव ला सकता है, मुझे लगता है स्कॉर्पियो। आप देख लीजिए मुकेश अंबानी स्कॉर्पियो है, तो वो इंसान चैन से नहीं बैठता, डेली नया टास्क लेगा, डेली उस पर काम करेगा, और इनमें कैपेबिलिटी है जीतने की, ये कभी टिक कर नहीं बैठती, क्योंकि डेयर का साइन है। एट हाउस किस में डेयर है, आ जाओ भाई रिस्क ले लो लाइफ में, तो ये साइन ऐसा है जो रिस्क टेकर, जो बड़े बड़े रिस्क लेता है। अब लेंगे सैजिटेरियस, जो कि मैं हूँ, सारी जिंदगी दूसरों के लिए ही काम करना है, गुरु का धर्म है। और मैं सच बताऊं कि अभी तक मैं पढ़ रही हूँ, मेरी कंप्लेंट यही है कि इतनी पढ़ाई क्यों धनु लगन में। तो गुरु है, गुरु का काम क्या है, शास्त्रों को पढ़ना, धर्म पर चलना, और जितने उनके फॉलोअर्स हैं या उनको जो फॉलो करते हैं, अपने शिष्य स्टूडेंट को सच बताना, सच की राह दिखाना, और हमेशा ही दूसरों का भला करना, ये धनु लगन का है। आगे चलेंगे मकर, मकर इज ए मगरमच्छ, आपको पता है इसका वो जो साइन है वो भी मकर ही है, तो इनका प्रॉब्लम है आंसू, टप टप बहते हैं मगरमच्छ की तरह आंसू, और कोई मौका नहीं छोड़ते, ना जल में ना थल में, तो इनको पता है अपना शिकार कैसे पकड़ना है, और मनी माइंडेड होते हैं। आप लेंगे कुंभ, तो कुंभ का है कि सबको जोड़ के रखना, और ये साइन बीमारी रहता है, मतलब इनसे काम होता नहीं, चलना सबके साथ है, तो अपनी स्पीड की वजह से दूसरों को भी ये नीचे लेके आते हैं। तो प्रॉब्लम इनके अंदर यही है कि ये बीमारी वाला साइन है, लेकिन अगर ये डिसिप्लिन लाइफ जिए, क्योंकि शनि है इसके स्वामी, तो शनि का काम क्या है, डिसिप्लिन। आप टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से जाओ, टाइम से सैर करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर कोई भी लेजीपन दिखाता है या जो काम चोरी दिखाता है, उनको तो बहुत पनिश करते हैं, और जब तक वो चीज़ ले नहीं आएंगे ना उसमें, वो छोड़ेंगे भी नहीं उसको, तो बंदा सुधरते सुधरते सुधरता है। लेकिन मैं पहले ही बोल देती हूँ कि आप अपने में बदलाव कर लो, प्लैनेट तो आप में चेंज ला कर रहेंगे ही रहेंगे। तो इनके लिए वन वर्ड है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ जिए। आ गया पाइसिस, तो पाइसिस क्या है, इसका साइन है फिश, ये कभी भी टिककर नहीं बैठते, इतने सेंसिटिव होते हैं, हर बात का पूरा मानना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, हर बात का, और कभी ये डिसीजन लेंगे, कभी एक डिसीजन पर नहीं टिकते, इनका प्रॉब्लम क्या है, किसी के पचड़े में नहीं फंसते हैं, और दूसरा क्या है कि अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन किसी डिसीजन पर टिक कर नहीं रहते। मोक्ष का साइन है ये, बट प्रॉब्लम इन्हीं के अंदर जो मैंने बताई है कि टिकते नहीं हैं, घूमते ही रहते हैं, यहाँ पानी के ऊपर क्या है कि बांध ही नहीं, ये गंगा सागर है जहाँ पर सारी नदियों का संगम होता है। तो इसी तरह ये 12 साइन हमने लिए हैं, लगन लिए हैं, इसी से मैं आधा देखिए प्रडिक्शन कर लेती हूँ कि बॉडी क्या है, बॉडी क्यों आई है, और इसको रोल क्या मिला है, फिर देखती हूँ लॉस और प्रॉफिट, कि जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए, इस तरह मैं उनको उनकी कैलकुलेशन बनाती हूँ। और जब जो इवेंट जिस ईयर होना है, चाहे आज से 6 साल बाद भी होना है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रिडिक्शन कर रहे हो भविष्य की, तो आज यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल है कि ये इवेंट होगा, इतने में होगा, लेकिन जिनके साथ होता है तो आप उसको बचा नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काम क्या है, अलर्ट करना, ये होगा, लेकिन आप यहाँ से तैयार हो तो ये पल भी निकल जाएगा, काल और वक्त ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। इसी तरह आप सच से जुड़े रहें, अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ, सच के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा, बाय।